नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। और जब तो कि आप लोग सही सलामत होंगे, अपने प्रोग्राम में बहुत अच्छी तरीके से बिजी होंगे। दोस्तों अभी तो अक्टूबर महीना ख़त्म होने वाला है और देखिए अभी भी धूप कितने ज़्यादा है। और दो दिन मैं घर पर नहीं था, मैं कलकत्ता गया था और देखिए मेरे प्लांट्स का हालत कैसा है। ये देखिए एकदम मुरझा गया है पानी ना देने के कारण। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक जो है वो है अम्ब्रेला पाम प्लांट्स के ऊपर। यह है मेरा अम्ब्रेला पाम प्लांट्स, ये एक देखिए 6 इंच के पॉट पे लगा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं इसके केयर के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर कोई भी सुझाव हो आपके मन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरा अम्ब्रेला पाम का प्लांट है। ये देखिए मैं इसको एक 6 इंच के पॉट पे लगाया था। तो दोस्तों इसमें ही देखिए इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है और देखिए इस पर गुच्छों के रूप में नए नए स्टेम्स निकलता है। दोस्तों देखिए मैं इसमें 2 दिन से पानी नहीं दिया था, तो इसमें देखिए जो इसका जो लीव्स है देखिए वो बर्न हो चुका है अभी, मतलब जल गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही पानी पसंद करने वाला प्लांट्स है, इसको पानी हर रोज़ चाहिए होता है। अगर पानी नहीं देते तो इसका जो लीव्स है वो बर्न हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी टू ग्रो होने वाले प्लांट्स है, इसको आप मिट्टी पे भी लगा सकते हो या फिर आप इसको सिंपली वाटर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं एक जो है मैं मिट्टी में ग्रो किया हूँ 6 इंच के पॉट पे, और दूसरा एक जो मेरा प्लांट है वो देखिए मैं इसको सिर्फ पानी में ग्रो किया हूँ। तो इसमें भी देखिए इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है, और देखिए पानी नहीं था इसमें तो इसलिए देखिए तो थोड़ा सा इसका जो लीव्स है वो बर्न हो चुका है ये भी। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी टू ग्रो होने वाला पौधा है, आप इसको इंडोर भी रख सकते हो और आउटडोर भी रख सकते हो, तो दोनों जगह पर ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है। आप देखिए मेरा तो पूरा फुल रूफटॉप पे है, छत के ऊपर है, फुल धूप पे है, तो इसमें भी इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है। हालांकि ये धूप में बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करता है, इसका जो हाइट है वो भी बड़ा हो जाता है और नए नए स्टेम्स निकलते रहते हैं। दोस्तों पूरे साल भर ही ग्रोथ करने वाले प्लांट्स है, इसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होता है। आप महीने दो महीने में एक बार इसमें थोड़ा सा करके खाद इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आप मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के आप दे सकते हो, इसमें इसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो 7 दिन पहले ही सभी प्लांट्स पे मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं पूरे रेनी सीजन में किसी भी प्लांट्स पे कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया था लास्ट 3-4 महीने से। तो इसलिए मैं इसमें सभी प्लांट्स पे मैं मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे दिया हूँ। इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, मास्टर केक को कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना चाहिए, तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए नए नए स्टेम्स जो निकलते हैं इसका, देखिए रूट से नए नए स्टेम्स निकलता रहता है, और जो इसका जो स्टेम्स का जो लीव्स है वो देखिए पूरा छतरी के जैसा अम्ब्रेला का तरह देखने में लगता है, शायद इसलिए इसको अम्ब्रेला पाम कहा जाता है। दोस्तों इस प्लांट्स को मैं मेरे ऑफिस से लेके आया था, मेरे ऑफिस में इसका तो जंगल हो गया है, वहीं से मैं एक प्लांट्स लेके मैं 6 इंच के पॉट पे लगा दिया था। तो देखिए अभी वहीं से कितने सारे नए नए प्लांट्स मेरे बन गए हैं। दोस्तों मैं जब इसको लगाया था तब मैं इसको 50% गार्डन सॉयल, 30% सैंड और 20% में कंपोस्ट से मैं इसको लगाया था। तो देखिए मैं इसके बाद कोई भी खाद इसमें यूज़ नहीं किया था। अभी देखिए मैं फ़िलहाल मैं कुछ दिन पहले इसमें मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे दिया हूँ, तो अभी देखिए इसका ग्रोथ कितना अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको कैसे आप कटिंग करके ग्रो कर सकते हो ओनली वाटर के अंदर, मतलब सिर्फ पानी के अंदर। तो इसका एक स्टेम ले लीजिए, 3-4 इंच का एक स्टेम्स लेके उसका जो ऊपर का जो लीव है उसको काट करना पड़ेगा, और काट करके इसको वाटर के अंदर, देखिए मैं काट कर लिया हूँ, इसको पानी के अंदर जस्ट डुबो के रख देना है। तो दोस्तों यही से इसका नया नया जो रूट्स है वो निकल जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। दोस्तों इसको खाली ख्याल रखना है इसका जो पानी है सूखना नहीं चाहिए, और आप इसको किसी भी मौसम पे आप इसको ग्रो कर सकते हो, किसी भी मौसम पे ये इसका रूटिंग चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस पर काट के लगा दिया हूँ, अब इसको मैं 15 दिन के लिए रख दूंगा ऐसी जगह पे जहाँ पे एकदम शेडी एरिया रहे, जहाँ पे ज़्यादा धूप ना आए।
दोस्तों इसको सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप इसको फुल सनलाइट पे रखा कीजिए। अगर आप इसको इंडोर भी रखते हो तो भी इसको हफ्ते में 2 दिन इसको आउटडोर करना पड़ेगा, सनलाइट पे लाना पड़ेगा, फुली सनलाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक जाएगा। दोस्तों मैं इसको इंडोर ही रखा था, देखिए मेरा जो प्लांट्स है उसमें देखिए मैं स्टोन देके थोड़ा सा इसको सजाने की कोशिश किया था और मैं इसको इंडोर रखा था, तो इंडोर पे भी ग्रोथ करता है, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आपको फुल सनलाइट पे रखना पड़ेगा। दोस्तों एक पेस्ट फ्री अटैक है, इसे किसी प्रकार का पेस्ट का अटैक होता नहीं है। आप ये एक सदाबहार प्लांट्स है, मतलब पूरे साल भर ही ग्रो करने वाला एक प्लांट्स है। अगर आपके गार्डन में ये प्लांट्स नहीं है तो जल्दी से आप लेके लगा लीजिए, ये नर्सरी पे 20 या 30 रुपए पे मिल जाता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस और लो कॉस्ट प्लांट्स है, ये आपके गार्डन पे शोभा बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये तो था आज का मेरा वीडियो एक अम्ब्रेला पाम प्लांट्स के ऊपर। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी सुझाव हो तो मुझे प्लीज कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।